लुक एट दिस। यहाँ मस्त सा हमारा जूस जो है वेटिंग फॉर दिस। आई एम गोइंग टू यार बॉम है ये मैं ट्रांसफर हो रहा है बट क्या हेलो माय लवली फ्रेंड्स इट्स मी आशु वेलकम बैक टू माय व्लॉग वीडियो चैलेंज। सो आज का व्लॉग आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड इट्स फ्राइडे इवनिंग टाइम हो रहा है नॉट इवनिंग टाइम मतलब अब दोपहर और शाम समझ में नहीं आता है कब आ रहा है कब जा रहा है। सो आई एम स्टार्टिंग अ न्यू व्लॉग फ्रॉम हियर एंड अभी जस्ट मैंने अपने लिए ये ड्रिंक बनाया है एंड इसका शॉर्ट्स भी मैं वीडियो बना रही हूँ विच आई विल एड इन माई डेली मिनी व्लॉग काइंड ऑफ वाला वीडियो। और हाँ आई हैव क्रिएटेड वन मोर इंस्टा आई डी वन मोर मीन्स कि एक मेरा इंस्टा आई डी जो है जो बचपन से अभी तक चला आ रहा है एंड उसके अलावा आई हैव क्रिएटेड वन मोर आई डी जिसपे मैं शेयर कर सकूँ माई मिनी व्लॉग्स माई डे टू डे लाइफ माई कुछ खटपट मतलब एवरीथिंग। लेकिन इस पर मेकअप से वीडियोज़ नहीं होंगे क्लोथिंग वीडियोज़ नहीं होंगे बस मेकअप क्लोथिंग छोड़ के बाकी सब कुछ इस पर होंगे। इसको मैंने बनाया एंड दिस इज टू गुड टू गुड टू गुड। ये पता है मुझे अंदर से ना काफ़ी फ्रेश रखेगा और जैसा मेरा बीपी थोड़ा सा लो रहता है सो इट विल मेंटेन माय ब्लड प्रेशर। और इसमें विटामिन सी है बिकॉज आई हैव एडेड लॉट्स ऑफ लेमन लेमन जूस और उसके ये पील्स जो छिलके होते हैं ना इसको फेंकना ही मत लेमन के छिलके बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इनके एक बार बेनिफिट्स आप लोग को पता चल जाएगा ना सच में आप लोग फेंकोगे नहीं उसको आप लोग पानी में ऐड करके रख के उसको पीते रहो एंड या बहुत बहुत बेटर होता है। उसके साथ साथ मैंने इसमें आंवला ऐड करा है आंवला के भी इतने सारे गुड्स होते हैं हमारे स्किन के लिए हमारे हेल्थ के लिए हेयर के लिए लाइक फॉर एवरीथिंग। तो आंवला का जूस नहीं निकाली हूँ आंवला का बारीक 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 कट करके मैं आंवला को पूरा ऐड कर दी हूँ। वेल टुडे आई हैव चेंज्ड माय रूम का वो पूरा लुक क्योंकि मैं पहले भी आप लोग साथ शेयर की हूँ कि एक चीज़ एक लुक को देखते देखते मैं बहुत ज़्यादा पक जाती हूँ। तो अब आप लोग को बैकग्राउंड में ये वाला वॉल इधर का चीज़ें देखने को मिल जाएंगे अब सिर्फ आप लोग को एक विंडो नहीं देखने को मिलेगा एंड यहाँ बैठ के जब मैं इंट्रोडक्शन बना रही हूँ तो विंडो से काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है एंड इंट्रोडक्शन अच्छा बन रहा है लाइक आई कैन क्रिएट समथिंग। यहाँ बैठ के बिना लाइट्स वाइट्स जलाए हुए भी काम चल जाएगा। तो मैं अपने रूम को दिखाऊंगी आप लोग को शाम में अभी थोड़ा सा इधर मुझे लाइट्स लगाने आई लव लाइट्स कलरफुल लाइट्स येलो लाइट्स मिनी लाइट्स राइस लाइट्स जो भी लाइट्स है बस आई जस्ट लव लाइट्स मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो रूम का ऐसे डिज़ाइंस चेंज करने के बाद ना रूम काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन माय गॉड इतना ज़्यादा बैड लक काइंड ऑफ वाला डे गुजरा है ना मेरा जो काम मैं करने जा रही हूँ मत पूछो प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा है प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा है। उस दिन मैं एक यूएसबी केबल खरीद के लेके आई थी क्योंकि जो आईफोन का चार्जर होता है ना उसके बैक में वो सी वाला होता है टाइप सी चार्जर जो है वो इंसर्ट होता है बट लैपटॉप में वैसा नहीं है। तो मैं सोची थी कि कैमरा से लैपटॉप में से डायरेक्ट फ़ोन में से ट्रांसफ़र हो जाएगा दिस इज़ नॉट वर्किंग एक्चुअली दिस केबल इज़ वर्किंग बट पता नहीं फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो। लेकिन उस दिन मैं कैमरा में से अपना फाइल्स लैपटॉप में ट्रांसफ़र की थी तो सारे काम हो गए थे और आज फाइल्स कैमरा में से लैपटॉप में ट्रांसफ़र हो रहे हैं बट कैमरा से मेरे फ़ोन में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। इतना ज़्यादा मुझे सर दर्द हुआ है ना ये सब चीज़ों को ये करके मतलब मैं क्या बोलूँ। रात के 11 बज रहे हैं और नाउ आई एम गोइंग फॉर द शूट आज कुछ भी व्लॉग्स में मैं एक्स्ट्रा शेयर नहीं की हूँ आई डोंट नो व्हाई लाइक ऐसा वाला हो रहा था। जादू दिखाओ ये जादू है और ये ब्रश है और पता नहीं इसमें क्या क्या है बाय द वे ऐसी मिनी सा ब्रश से भी वी कैन डू आर मेकअप एंड सच बताओ कैमरा की क्वालिटी बहुत ही अलग होती है लाजवाब शानदार बेमिसाल लव इट। लुक हाउ डेंजरस आई एम लुकिंग मतलब बिना लिपस्टिक के कितना गंदा वाला लुक आ रहा है यार। और अभी मैंने अपने हेयर स्टाइल के साथ कुछ पिटारा क्रिएट किया है सारे वीडियोस आप लोग को देखने को मिल जाएंगे बाय द वे फेस का बेस वगैरह सब कुछ बहुत ही मस्त लग रहा है। 2000 years later गुड मॉर्निंग एवरीवन सुबह सवेरे हो चुका था और मैं थोड़ा बहुत यहाँ सूरज की धूप ले रही थी। धूप लेना क्या है रूम में इतना प्यारा खिड़की है ना सामने से एकदम डायरेक्ट सनलाइट आता है
और सुबह का जो सनलाइट होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और अभी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसा हल्का हल्का धूप। वैसे देखने से तो लग रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ है, बट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। यहाँ फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं लेती हूँ गुनगुना पानी, इतना गर्म लेना जितना चाय होता है, और उसको चाय के जैसा सुसुक सुसुक के पीना या फिर धीरे धीरे फूक फूक के। उसके बाद अब मैं यहाँ अपना ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ, ये अपना सीक्रेट पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो कि सीक्रेट बिल्कुल नहीं रहा, मैंने बहुत लोगों के साथ इस पाउडर को शेयर करे हैं। एंड यहाँ जब बॉईल हो जाता है 5 मिनट, तो 5 मिनट्स बॉईल होने के बाद मैं गुट गुट करके इसको पी लूँगी। गुट गुट करके आप लोग भी पी लेना, इससे वेट कम होता है, पेट का चर्बी भी कम होता है। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, थोड़ा सा अपने हेयर को सिक्योर कर रही हूँ, पता नहीं अभी मैं क्या करूँगी। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि आपने जो मेहंदी लगाया उसका नाम क्या है, सो दिस इज़ दैट मेहंदी। ये चाइनीज़ मेहंदी है, कलर मेहंदी बोल सकते हैं हम इसको, चाइनीज़ मेहंदी बोल सकते हैं। मतलब 5 मिनट्स रखो आप, कलर आ जाता है और काफ़ी अच्छा कलर रहता है। और मतलब पानी वाला अगर आप काम करते हो तो 2 से 3 दिन आपके हाथों पे आराम से तब भी रहेगा, पानी वाला काम करते हो फिर भी। अगर अर्जेंट में आपको मेहंदी लगाना है, शाम में कुछ शादी वादी है या फिर घर में कुछ फंक्शन, या आप चाहते हो कि थोड़ा सा मेरे हाथों पे कलर आ जाए अच्छा लगे, और एग्जैक्टली मेहंदी वाला कलर ही आता है, बहुत ही प्यारा सा मेहरून काइंड ऑफ कलर आता है, मुझे बहुत प्यारा इसका कलर लगता है। इसमें 2 शेड्स आते हैं, एक मेहरून और एक ब्लैक, तो आप कोई भी ले सकते हो। इस टाइप का ट्यूब आएगा, यहाँ पर नेहा लिखा हुआ रहेगा, नेहा का ये मेहंदी है। एंड दिस इज़ क्यूट, अच्छा है। और इस ट्यूब से मैं अभी तक 3-4 बार लगा चुकी हूँ, क्योंकि मैं जब लगाती हूँ तब पीछे मैं गोल लगाती हूँ एंड यहाँ पे लगाती हूँ, तो अभी जस्ट मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि मुझे लगाना चाहिए, सो थोड़ा सा लगा लेती हूँ मैं। 5 मिनट में तो बस ऑटोमेटिक हो जाएगा, वैसे आप जितना देर चाहो उतना देर रख सकते हो, कलर बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आता है। और अगर आप पानी वानी वाला अगर काम करते हो तो भी रह जाएगा यार, 2 दिन तो ऑलमोस्ट रह जाएगा, 2 से 3 दिन। और कपड़े वपड़े में इसका कलर नहीं लगता है, पहले मुझे लगता था कि कपड़े में कलर लगता है। आप एक काम करना, जब इसको लगा के आप हाथ धुलना ना, तो एक बार हैंड वॉश से अपने हाथ को धुल लेना, जितना भी एक्स्ट्रा कलर होगा वो निकल जाएगा और फिर आपके कपड़े में इसके कलर नहीं जाएंगे। मतलब कभी कभी होता है ना कि हाथ गीला हो गया, हम अपने कपड़े को ऐसे करके टच कर दिए, वाइट कपड़ा पहना हुआ है तो मे बी कलर वगैरह लग जाए, तो उस चीज़ सबसे बचने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, हैंड वॉश करते टाइम हैंड वॉश से अच्छे से हाथ को धुल लेना। या तो गाइज आर यू रेडी, रेडी हो मेरी मेहंदी को देखने के लिए? 1 2 3 ta-da, ta-da, ta-da. So here it's my mehndi. बताओ बताओ प्रिटी लग रहा है ना। वैसे आजकल एक नेल पेंट है जो कि मेहंदी के जैसे ही रहता है, बस उसको लगाओ और शायद उसको ऐसे करके पील कर दो और एकदम ऐसे ही कत्थी कलर नाखून पे भी आता है। वैसे इसको हल्का हल्का मैं नेल पे स्प्रेड कर ली हूँ, बट नेल्स पे उतना ज़्यादा कलर रहता नहीं है और ज़्यादा दिन तक टिकता भी नहीं है। सो गाइज ये देखो, जो जो सूख गया है ना वो इस तरीके से आप पील कर सकते हो, ऐसे ये पील ऑफ हो जाएगा और उसके बाद आप अपने हाथों को धुल लो। तो आगे में मैं छोटा सा ये डिज़ाइंस बना ली हूँ, अच्छा लग रहा था तो मैं सोची बना लेती हूँ, तो अभी इसके सूखने का वेट कर रही हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा मोटा था ना, इसलिए इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो लुक एट माई मेहंदी का कलर, बहुत ही प्रिटी सा कलर आता है जिस तरीके से आप लोग देख सकते हो। इसको मैं वॉश कर चुकी हूँ, हैंड वॉश से भी वॉश कर ली हूँ। ये देखो नेल्स पे कलर नहीं आता है, ऑरेंज कलर आता है नेल्स पे, मतलब ये भी ऑरेंज कलर भी ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग। एंड इसका ब्लैक कलर भी आता है, ब्लैक कलर पहले चलता था ना, आउटलाइन ब्लैक से कर लूँ, अंदर में इससे वो कर दो, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार शेड्स डाल दो, कुछ 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 ऐसे कर दो, तो उसके लिए भी इसका ब्लैक आता है। अब देखते हैं ये कब तक टिकता है और कब तक चलता है। जा रही हूँ नेल पे नेल पेंट अप्लाई करने, और नेल पेंट मैं इसीलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि अभी 3-4 डेज, इसीलिए आई होप समझ जाओगे आप लोग। तो हाँ, मेरे पास बहुत सारे नेल पेंट्स हैं बट मैं कभी लगाती नहीं हूँ इन्हीं सब रीज़न की वजह से, क्योंकि मुझे पढ़ना होता है डे टू डे लाइफ में, बट जब ऐसा मौका मिलता है तो मैं ज़रूर से अप्लाई करती हूँ। मुझे पसंद है ऐसे, जब मेहंदी का कलर होता है तो नेल्स पे भी कलर रहते तो अच्छा लगता है। वैसे जब मैं लोकल मार्केट में जाऊँगी या फिर पटना मार्केट जाऊँगी तो वहाँ पूछूँगी कि वो मेहंदी वाला नेल पेंट उनके पास है कि नहीं है। अगर मेहंदी वाला नेल पेंट मिल जाएगा ना तो मज़ा आ जाने वाला है। अभी मैं इस पर मेहरून कलर का मेहंदी लगा नेल पेंट लगाने वाली हूँ। ऑप्शन मिला है, एक ये है, दिस इज़ ब्राउन समथिंग लाइक दैट, न्यूड ब्राउन काइंड ऑफ कलर है, और एक ये है, दिस इज़ इन ग्रे कलर। तो सोच रही हूँ ये ग्रे वाला लगाऊँ, नहीं नहीं वो लगाती हूँ ब्राउन वाला, ग्रे वाला इस पर बहुत ज़्यादा ऑड हो जाएगा मेहंदी पे। ओ माई गॉड गाइज लुक एट द कलर, ऐसा लग रहा है कि मेहंदी ही है। दिस इज लुकिंग सो प्रिटी, ओ माई गॉड आई जस्ट लविंग इट। आई डोंट नो विच कलर इट इज़ बट बॉम है यार, बॉम है, मस्त लग रहा है। Looking great.
ब्रेकफास्ट में चलो मैं दिखाती हूँ व्हाट आई एम गोइंग टू ईट इन माय ब्रेकफास्ट है हेल्दी प्री ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद रोटी वोटी भी खाऊंगी मैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे काट काट करके अपना नाश्ता खाना करते रहती हूँ, दिन भर खाती हूँ लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा। इसमें ना प्रोटीनेक्स पाउडर है जिसको डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया, इसको मिल्क में मुझे मिक्स करके तब लेना है। इसके बॉक्स को मैं थ्रो कर चुकी हूँ बट मैं इसके बॉक्स का इमेज आप लोग को साइड में दिखा दूंगी। सो इसको मैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ लूंगी, दूध में ऐड करके इसको लेना है 2 टेबल स्पून। सो लेट्स मिक्स इट। इस फ्रूट्स का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, लाइक लुक एट दिस, काफ़ी बड़े बोल में मैंने लिया है। तो इसमें हाफ फ्रूट्स मैं ऐसे खा लूँगी एंड हाफ फ्रूट्स के मैं जूसेस बना दूंगी, और जूसेस को मैं लूँगी बाद में, अभी इसी वक्त लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। डेट्स हमें लेना चाहिए सुबह में एज यू ऑल नो। और ये जो डेट्स हैं ये सऊदीया का डेट्स है और वहाँ के डेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वैसे यहाँ भी मिल जाएंगे बट काफ़ी ढूंढना पड़ता है और हमें समझ नहीं आता कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा आर्टिफिशियल है। और यहाँ मैं ले रही हूँ ये मिल्क, इसके बारे में भी जस्ट मैंने आप लोग को बताया है। आप ले रही हूँ यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट, ये खजूर रहा, खजूर बोलते हैं ना, छुहारा किसको बोलते हैं, हाँ छुहारा उसको बोलते हैं जो ड्राई खजूर होता है, और इसको खजूर बोलते हैं, हाँ अब मैं समझ गई। सबसे पहले मैं खजूर खा ले रही हूँ और उसके बाद फिर ये दूध पी ले रही हूँ जिसमें प्रोटीनेक्स पाउडर ऐड है, एंड इसको पीने के बाद मैं बहुत हीवी हो जाती हूँ। और फ्रूट्स में बस थोड़ा बहुत ही लूँगी, ज़्यादातर ये फ्रूट्स जो इसमें हैं इनके मैं जूसेस बना लूँगी, जूस बना के मैं स्टोर कर लेती हूँ, कुछ टाइम तक स्टोर हो जाते हैं। आते आते पार्सल वाले भैया को कॉल आया कि वो जस्ट बाहर में आके खड़े हैं, चलो रिसीव करके आते हैं। कौन है? ओह शिट, एक और पार्सल वाले को कॉल आ रहा है, पार्सल वाले भैया आए हैं। एक और चॉकलेट उसे मंगाई हूँ मैं 2 पार्सल, एक में शायद इसमें सूट होगा, बहुत ही प्यारे ग्रीन कलर का सूट मैंने ऑर्डर किया था। होप फॉर द बेस्ट कि बस दोनों अच्छा ओरिजिनल पार्सल आ जाए, कुछ भी स्कैम ना रहे भाई साहब। इसमें मुझे लगता है ना कि मेकअप से रिलेटेड कुछ होगा सामान, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ ऐसा मेल आया था मुझे ई मेगा मार्ट की तरफ से, मेकअप का सामान आता तो मुझे ज़्यादा खुशी होता है स्किन केयर से ज़्यादा। फेस वॉश, हाइड्रेटिंग पील, ओके चलो हाइड्रेटिंग पील आया। लिप्स क्रीम विथ एसेंशियल, ये लिप के लिए कुछ है, दिस इज पैराबिन फ्री। एक्चुअली इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं यार, ई मेगा मार्ट के प्रोडक्ट मैंने यूज़ करे हैं। ये लिप्स वाला जो है ना, लिप्स लाइट एक और आ चुका है मेरे पास इनका ही, एंड दिस इज सोप, ओके वीट जम ऑयल, एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, एंड वट इट इज, दिस इज फॉर ड्राई स्किन, प्रिवेंट्स ड्राइनेस, इनरिच्ड विथ ऑयल्स। को फाड़ते हैं, इसमें सूट होगा ग्रीन कलर का, क्या ग्रीन सूट लो यार। ओके जितने प्राइस में मैं ये कपड़े मंगाई हूँ ना, अगर सेम जैसा दिखा रहा था वैसा कपड़ा आया है अगर उस प्राइस में, तो इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, इसका रिव्यू आप लोग को देखने को मिलेगा। वाह यार, फ्रंट में ऐसे नीचे में भी पूरा डिटेलिंग से अच्छा लग रहा है यार, कलर इज़ ऑल्सो लुकिंग ग्रेट। कल फ्राइडे था, कल आया रहता हूँ तो कल ही मैं इसको पहनती हूँ, सेम जॉगर। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, फैब्रिक मटेरियल इज सुपर डुपर सॉफ्ट, मस्त है यार, मस्त है यार, पहले ही तो नहीं बोल सकती हूँ। हाँ अरे फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, पहनने के बाद पता चलेगा कि हाउ इट इज और मुझे कैसा आ रहा है। वैसे अगर इसका टॉप आ गया रहता तो ज्यादा बेटर लगता। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू स्टाइल दिस जॉगर, मेरे को मतलब अंदर से ऐसे वाइब आ रहा है कि कब मैं इसे स्टाइल करूंगी। एंड दिस सूट, दिस इज सूट सेट विथ पिजामा में भी ऐसा वर्क है। गाइस यहाँ मस्त सा हमारा जूस जो है सो रेडी हो चुका है, बीटरूट, कुकुम्बर, कैरेट, आंवला बहुत कम डाली हूँ मैं, और नींबू। और अब इसको मैं सर्व करके देने वाली हूँ सबसे पहले मम्मी को, मैं तो पीती ही रहती हूँ, अभी पहले जा रही हूँ मम्मी को देने, मम्मी वाले में थोड़ा सा साल्ट भी ऐड कर दूंगी।
आज मैं आप लोग अपना रूम दिखाती हूँ। सबसे पहले दिस इज द कर्टन एंड लुक एट माय मेहंदी, कितना प्रीटी लग रहा है से, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। सो दिस इज द कर्टन, कर्टन इज इन ग्रे कलर एंड मेरा डोर भी ग्रे है, बट दोनों के कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे हम लोग अपना दरवाजा को ओपन करेंगे, हेयर इज माई रूम का एंट्रेंस, लुक एट दिस हाउ प्रीटी इट इज। ये मेरा एक छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा रूम है जो कि मेरा स्टूडियो रूम है एंड दिस इज़ माय एवरीथिंग। मुझे अपना रूम बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर के सेक्शंस में आपको कुछ दिख जाएंगे ऐसे, वैसे पूरा ऐसे टूर नहीं दूंगी यार, अपना रूम का एक टूर मैं आप लोग को दूंगी अलग से। और दिस इज़ द रूम, इधर से लाइट से मुझे ऐसे जगमग जगमग लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए मैं अपने रूम में हमेशा चाहती हूँ कि लाइट्स रहे। एंड इधर का ये सेक्शन है, मुझे कॉमेंट्स में बताया डेट हाउ इट्स लुकिंग। यहाँ से कुशंस हैं, यहाँ कर्टन्स हैं, मैंने 5 कर्टन्स को एक जगह पे कर दिया है। वैसे कर्टन्स का वो पूरा पाइप है वहाँ से वहाँ तक का, लेकिन इधर जैसे मैं अपना ड्रेसिंग रखी हूँ तो कर्टन्स जब जा रहा था तो पूरा सब कुछ छुप जा रहा था, इसीलिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ कुशन के पास कर्टन ऐसे आ रहे हैं ना, फ्लो कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सा लग रहा था। यहाँ से हम लोग लाइट्स को स्विच ऑन करते हैं। चलिए हमारा लाइट स्विच ऑन हो चुका है एंड हेयर इज द रूम। ये किसी ड्रीम रूम से कम नहीं है मेरे लिए, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा ड्रीम रूम है। एंड इस तरीके से इधर है, यहाँ पे कुछ स्पेस है एंड यहाँ पे कुछ स्पेस है जिसमें मैं शूट कर लेती हूँ। हेयर इज़ द PRs जो कि आते हैं एंड वीडियोज़ वगैरह शूट करने के लिए, जो शूट नहीं हुए रहते उनको मैं यहाँ पर रख देती हूँ और जो शूट हो जाते हैं उनको मैं यहाँ से हटा के रख देती हूँ। और इधर कुछ कपड़े हैं जो हैंग किए हुए हैं, ये रियल प्लांट है जिसको मैं अपने रूम में रखी हूँ। ये बिना सूरज के भी रह सकता है, मतलब ये शेड में भी रह सकता है, सूरज में भी रह सकता है। सो ये प्लांट बहुत अच्छा है, कभी कभी रात में मैं इसे रूम से बाहर भी निकाल कर रख देती हूँ, मुझे डर लगता है कभी कभी तो। एंड इधर मेरा सेल्फ का सेक्शन है एंड सेल्फ पे अभी तक मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर इस तरीके से हैंग कर रखे हैं। सारा चीज़ का मैं टूर दूंगी कि किधर मेरा क्या है, किधर मेरा मेकअप से, किधर मेरा क्या नहीं है। एंड हेयर आई एम। सो कैसा लग रहा है मेरा रूम मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। ओके इट्स इवनिंग टाइम एंड राइट नाउ आई फिनिश्ड माय रेड क्यूक्यूम्बर बीट रूट वाला जूस एंड यार इट वाज टेस्टिंग गुड। मतलब इससे पहले ही पीती हूँ मैं, बट स्ट्रेन नहीं करती हूँ हमेशा, आज मैंने स्ट्रेन किया। सो इट वाज टेस्टिंग यम 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 यम। अभी भी एक ग्लास और है तो उसको मैं कल पीऊँगी। ये ख़राब नहीं होता है, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना तो वी कैन स्टोर इट फॉर 12 आवर्स फ्रीज के बाहर। फ्रीज का पानी मैं नहीं पीती हूँ तो यार फ्रीज का जूस कैसे पी लूँगी। तो या अब इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यही पैंड, अदरवाइज ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इस ब्लॉग में कुछ स्पेशल था भी नहीं। इसके बाद वाला जो ब्लॉग आप लोग को मिलेगा मैं उसमें कुछ स्पेशल ज़रूर करूँगी। हाँ स्पेशल किया है ना मैंने, मैंने इधर ये वाले लटे लटकाए हैं और इसमें पत्ते लगाए हैं और लाइट्स लगाई हूँ। बाय द वे लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एट हाउ माई रूम वॉज लुकिंग, मेरे को आप लोगों के कॉमेंट्स का ज़रूर से इंतज़ार रहेगा। बाय बाय। Thank you.